मैंने तो इसलिए रोका क्योंकि मैं अभी गार्ड लिया और मैं अभी नीचे ही देख रहा था, थैंक्स कोच, मैं अभी नीचे ही देख रहा था और उसने बॉल डिलीवर कर दिया, तो जब बॉल हाफ पे आ गया तो मैंने फिर ऊपर देखा, इसलिए मैंने रोक दिया था उसको। और माइंड में यही चल रहा था कि बस थोड़ा सा था कि नॉन स्ट्राइकर से भी जो बात हो रही थी कि सिंगल की तरफ जाएं ताकि मैच तो टाई हो, बट मेरे माइंड में यही था कि मैं गैप देखूं और गैप में हिट मारूं, मैच जीतने के लिए जाऊं, टाई के लिए नहीं। बैटिंग पे काफ़ी फोकस करता हूं मैं क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है स्पेशली वाइड बॉल, आपको तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तो मैं अपनी जो बैटिंग है उसको खास टाइम देता हूँ और अपनी बेसिक को और जो भी मुझे नीड है बैटिंग में उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपने कंट्री के बाहर डेब्यू कर रहे हैं और थोड़ी सरफेस भी डिफरेंट सी, बिल्कुल पहले बॉल पे चौका लगा मुझे थोड़ा सा, जिस तरह यहाँ पे क्राउड शोर करती है थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन मुझे सब ने वहाँ पे एंड द फील्ड कैप्टन ने और सब ने मुझे बैक किया, और उसके बाद जब मैंने तीसरी बॉल पे विकेट ली उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने अपने बॉलिंग को इन्जॉय किया। पहला यही था कि मैं जो करके आया हूँ यहाँ पे और वही करूँगा, मतलब वो डिलीवर करना है ग्राउंड में, बिल्कुल माइंड सेट यही था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और अपने कंट्री को मैच जिताऊं। जी मैंने जो विकेट लिया आज पहली डेब्यू में, तो वो मैं डेडिकेट करूंगा पाकिस्तान के आवाम को और स्पेशली लाड़काना के आवाम को।